आरके अग्रवाल सर, आई बिलोंग्स आल्सो फ्रॉम कोटा, और जैसे कि व्हेन आई केम टू जयपुर इन 2001, तो दो नाम होते थे, एक एसएमएस फॉर पुअर पीपल, फिर महात्मा गांधी बीच के लोग और दुर्लभ जी। ऐसे ही कोटा में व्हेन आई ज्वाइन एज एमबीबीएस, तो कोटा में या तो एमबीएस मेडिकल कॉलेज या फिर सुधा हॉस्पिटल, नाउ द सुधा कन्वर्टेड इनटू सुधा मेडिकल कॉलेज। मतलब कोटा के किसी भी इलाके में, कोटा हो, बूंदी, बारा, झालावाड़, अट्रू, इन एवरीवेयर, कहाँ जाना है, या तो एमबीएस जाना है या सुधा मेडिकल कॉलेज जाना है। सो वेरी ग्रेटफुल एंड अचीवमेंट टू सुधा सर, एंड सर ने मेडिकल कॉलेज खोला है। तो मैं चाहूँगा सर आप बताएंगे कि अपने जो रूरल एरियाज में अपने को जो मेडिकल फैसिलिटीज पहुँचानी है थ्रू द मेडिकल कॉलेज, जैसे भाटी साहब ने बताया मेडिकल कॉलेज, क्या और अपन फैसिलिटीज प्रोवाइड करा सकते हैं कि मेडिकल हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कि रूरल एरियाज में हम पहुंचाएं इसको? गुड इवनिंग सर। डेफिनेटली वी कैन इम्प्रूव बिकॉज अब मे बी 25 साल से, जैसा कि साहब सर ने बताया, तो मेडिकल फैसिलिटीज रूरल अभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। बेसिकली गवर्नमेंट ने काफ़ी योजनाएँ चालू की, जैसे चिरंजीवी योजना चालू की जिसका आज माई नाम है, तो इसके थ्रू काफ़ी लोगों को एडवांटेज हो रहा है। पहले हमारे पास एक्चुअली काफ़ी कम पेशेंट आते थे, बट बिकॉज ऑफ द स्टार्टिंग ऑफ द माई योजना द नंबर ऑफ द पेशेंट, नंबर ऑफ सर्जरीज हैज बीन इंक्रीज्ड मेनी फोल्ड। इनफैक्ट जो आदमी पहले इलाज नहीं करा सकता था वो इलाज कराने के तैयार हो जाता है। पहले हार्ट सर्जरी हुआ करती थी, हार्ट सर्जरी वॉज एन ड्रीम फॉर द पुअर पर्सन, लेकिन आजकल हार्ट सर्जरी चिरंजीवी में हो रही है, तो हर आदमी जो भी जिसका भी डायग्नोसिस होता है हार्ट डिजीज के लिए, वो हार्ट तुरंत ऑपरेशन के तैयार हो जाता है, बिकॉज ही इज नॉट सपोज टू पे एनीथिंग। इनफैक्ट तो सबसे अच्छी बात है, फिर भी इसके अंदर काफ़ी कुछ और करने की ज़रूरत है। बेसिकली हमारे गांव वाले जो पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर सबसे बड़ी चीज़ तो उनके जो कार्ड्स वगैरह होते हैं वो अपडेटेड नहीं होते, तो बेसिकली मैं चाहूँगा कि एक कैंपेन ऐसा चालू हो गांव के लेवल पे ताकि उनके कार्ड्स वगैरह अपडेट हो जाएँ, और उनको जब वो इलाज कराने आते हैं तो उनको तकलीफ़ नहीं हो बेचारों को। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है वो लोग इलिटरेट होते हैं, उनको पता नहीं होता, जब उनको घर में इमरजेंसी होती है तभी वो लोग अस्पताल पहुँचते हैं, अस्पताल पहुँचते पता लगता है कार्ड दिखाते हैं, साहब लोग कार्ड लो आप इलाज चालू करो हमारा, पता लगे कार्ड उनका चालू नहीं है, तो इस कंडीशन में उनको काफ़ी परेशानी पैदा होती है। हालांकि हम लोगों ने उसके लिए ई मित्र वगैरह रखा हुआ है, ई मित्र पे उनको थोड़ा सा अपन अपडेट करा देते हैं या कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम सोल्व कर देते हैं, कभी कलेक्टर साहब से कोई अपने को परमिशन लेनी होती है वो ले लेते हैं हम लोग, तो उनका काम चला जाते हैं, बट स्टिल दे फेस द प्रॉब्लम। तो मैं यदि उनका मतलब टाइमली अपडेट हो जाए या वो थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाए उनका आधार कार्ड, जन आधार कार्ड वगैरह, तो उनको काफ़ी परेशानी से वो लोग बच सकते हैं। दूसरी चीज़ है हमारे जो पैकेजेस हैं बेसिकली इनके माई योजना के, वो काफ़ी मतलब डिसिमिलर है। बेसिकली कुछ डिजीज के अंदर पैकेज काफ़ी हाई हैं, कुछ बीमारियों के पैकेजेस काफ़ी लो हैं बेसिकली, तो उसको एक बार रिवाइज करने की आवश्यकता है। मैं सब ये रिक्वेस्ट करता हूँ सर से कि उनको थोड़ा सा मतलब एक बार वो दिखवाएं और किस कमेटी बिठा के मतलब उसके थोड़ा इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो, ताकि सभी तरह के जो पेशेंट्स आते हैं उनको फ़ायदा हो। दूसरी चीज़ है जो रूरल के पेशेंट आते हैं, रूरल कम्युनिटी के, वो काफ़ी सिक होते हैं बेसिकली, वो काफ़ी सारे बैरियर पार करके बड़े टर्शियरी हॉस्पिटल में पहुंच पाते हैं। पहले पीएससी में जाएंगे, कि क्वेक के पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाएंगे, फिर हमारे पास आएंगे, तो उनकी प्रॉब्लम काफ़ी ग्रेव होती है, एंड दे शुड बी ट्रीटेड अर्जेंटली इनफैक्ट विद मल्टीपल डॉक्टर्स एंड बाई सो मेनी डॉक्टर्स अंडर इन आईसीयू इनफैक्ट, तो उनके पैकेजेस हमें इसके अंदर चिरंजीवी में काफ़ी कम है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ गवर्नमेंट से कि उनके पैकेज थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा वो मॉडिफाई करें, ताकि उनको हम विदाउट हेजिटेशन पूरी सर्विस उनको दे सकें। कैटेगरी है एक्सलेंस इन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन कोटा, और ये अवार्ड जाता है सुधा मेडिकल कॉलेज कोटा। आमंत्रित करूंगा मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार अग्रवाल जी एंड डॉक्टर रजत अरोड़ा जी, डायरेक्टर्स फ्रॉम सुधा मेडिकल कॉलेज कोटा। नेक्स्ट अवार्ड की कैटेगरी एक्सीलेंस इन वास्कुलर इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, और यह अवार्ड जाता है एडवांस